हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम आपकी वर्कशीट कर रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28। 8 सितंबर की ये क्लास 10th की वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये है पैसेज आपको रीड करना है और उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको आंसर करना है। तो ये जो वर्कशीट है ये आपकी न्यूट्रिशन मंथ के ऊपर है। तो टू एंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीद डीप, लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चीयरफुलनेस एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। तो आपको अगर अपनी हेल्थ जो है वो अच्छे से रखनी है तो हल्का खाइए, गहरी सांस लीजिए, अच्छे से रहिए, अपने आप में खुशियां लाइए, चीयरफुलनेस लाइए और जिंदगी में अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए कि हाँ जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यूरियस रहिए। तो इसी पे बेस्ड आपकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए। तो इस वर्कशीट में क्या है देख लेते हैं। अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ। तो इंडिया में जो है न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा सितंबर 2020 में। ये किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ द 67th एडिशन ऑफ मन की बात। तो मन की बात में उन्होंने जो है जो 67th एडिशन था उसको उसमें ये अनाउंस किया है कि सितंबर 2020 जो है वो न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा। द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन saying that it had played a key role in building a nation. तो उन्होंने ये इम्पोर्टेंस बताई है कि न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम लोगों का जो पीपल है हमारी कंट्री के, उनका इसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशन सबको मिले। इस रेवोल्यूशन को लाने के लिए हम सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। He also mentioned additional health report cards for students stating their health along with the usual academic report cards. तो उन्होंने ये भी कहा कि students की आपकी report card तो आती ही है, academic report card साल के अंत में, end में आपकी आती है कि आपने कौन कौन से subject में कैसा कैसा किया है। साथ ही उन्होंने बोला कि आपकी जो है health report card भी बननी चाहिए जिसमें आपकी health condition कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, वो जरूर mention होना चाहिए। He emphasized the importance of including millets such as jowar, bajra and ragi as part of regular diet to eradicate malnutrition from our country. तो उन्होंने ये emphasize किया, इस चीज पे दबाव दिया कि हमारी diet में millets जो है, millets क्या क्या होते हैं, जैसे jowar, bajra, ragi, ये इन्हें millets कहा जाता है, इसको हम अपने regular diet में जो हम खाना खाते हैं उसमें हम इसे इंक्लूड करें। किस लिए? टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव कर देना, खत्म कर देना। इरेडिकेट किसको? मैल न्यूट्रिशन को। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है पुअर न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ही बुरा पोषण, पुअर पोषण, अच्छा पोषण नहीं होना या कुपोषित होना, उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अपनी कंट्री में से, इंडिया में से मैल न्यूट्रिशन को बिल्कुल खत्म कर देने के लिए हमें अपनी डाइट में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे जो है मिलेट्स, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। तो मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स कौन से हैं हमारी कंट्री में? तो हमारी कंट्री में पर्ल मिलेट या बाजरा जो है वो बहुत ग्रो होता है, सिंगम मिलेट या रागी ग्रो होता है और सोर्गम मिलेट यानी ज्वार जो है वो ग्रो होता है। अब मिलेट्स होते क्या है? तो मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मिलेट जो है इंडिजीनियस मतलब नेटिव होते हैं, मतलब उसी जगह पर जो है वो पाए जाते हैं, उसे कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि वर्ल्ड के देश के कई कई जगहों में इन्हें वहीं उगाया जाता है। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। तो जो है वो मिलेट्स क्या होती है, वो छोटे छोटे जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं और इनसे फिर ग्रास निकलती है, इन बीजों को आप अगर उगाएंगे तो। Widely grown around the world, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इन्हें ग्रो किया जाता है। कैसे? सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। तो इन्हें जो है अनाज की तरह उगाया जाता है, लोगों के खाने के लिए उगाया जाता है। तो इन पर्पसेस से इन्हें पूरे विश्व में, इन्हें वर्ल्ड वाइड उगाया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट वेन ईटन इन द राइट क्वान्टिटी। तो जब इसको सही क्वांटिटी में, तो हम कह रहे हैं कि ये मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात बस यही खाए जाए, ऐसा नहीं है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल।
तो कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो मिलेट्स भी बहुत अच्छे तो हैं, लेकिन अगर इन्हें राइट क्वांटिटी में खाया जाए तभी अच्छे हैं। तो ये जो है ये नॉन एसिड फॉर्मिंग होते हैं, ये एसिड नहीं बनाते हैं हमारे पेट में, और इस वजह से इन्हें डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हर मिलेट का जो है अपना एक न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाजरा, रागी, ज्वार सब एक जैसे हैं। रागी की अपनी क्वालिटी है, बाजरे की अपनी, ज्वार की अपनी। तो इनके जो है अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन का पोषण की जो है वैल्यू होती है कि इसमें इतना है, इसमें इतना है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट। तो एंटी ऑक्सीडेंट जो होते हैं ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो ये भी इनमें पाया जाता है। इनफैक्ट रागी इज नोन टू हैव द हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। तो रागी जो है, रागी जो मिलेट है, उसमें इनफैक्ट जो है जितने भी अनाज है, फूड ग्रेन्स है, उसमें अगर कंपेयर करें तो रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है। तो दिखने में थोड़ा आपको ये अजीब लग सकते हैं या खाएंगे तो अजीब लग सकते हैं, लेकिन अगर इनकी अच्छी डिश बनी हो तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे रिसेंटली हमने रागी डोसा खाया था, थोड़ा ब्लैक कलर का डोसा होता है वो, लेकिन बहुत ही टेस्टी था वो। फिर मिलेट यूज इज डाइवर्स इंक्लूडिंग इन सीरियल्स, पॉरेज, सूप्स, ब्रेड्स एंड स्टफिंग्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड बेबी फूड। तो ये कैसे यूज होते हैं, ये अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं। जैसे आप इसे पॉरेज जो है दलिये की तरह बना सकते हैं, आप इसे सूप बना सकते हैं इसका, आप जो है ब्रेड की तरह इसको बना सकते हैं। ब्रेड का मतलब यहाँ पर रोटी चपाती का भी है, तो इनकी रोटियां बना सकते हैं। साथ ही जो है इनको स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर इनको जो है फर्मेंट करके इनसे बेवरेजेस मतलब पीने वाली चीजें बना सकते हैं। और बेबी फूड में भी, तो इसको जो है सॉफ्ट करके दलिये की तरह जो है बेबी फूड में भी इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से मिलेट्स के जो है अलग अलग यूज हैं। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की, क्योंकि हमने अच्छे से समझा दिया है, उसके बाद आप हमारी वीडियो से देख के इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज। तो कौन सा स्पेशल नेम दिया गया है, वो दिया गया है न्यूट्रिशन मंथ। ये है आपका आंसर वन। फिर क्वेश्चन टू है आपका, डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। तो पुअर न्यूट्रिशन के लिए कौन सा है एक और वर्ड, मैंने अभी आपको समझाया था, वो है मैल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि बहुत ही कुपोषण, मतलब कम खाना, कम न्यूट्रिशन होना, कम पोषण होना। थर्ड है आपका, टू इराडिकेट मैल न्यूट्रिशन मीन्स टू रिमूव स्लैश टू कंटिन्यू। तो इराडिकेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है खत्म कर देना, रिमूव कर देना। फिर फोर्थ है आपका, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन फोर मीन्स। तो लाइन फोर में आपका जो पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात हुई थी, यहाँ पर पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंट, ये इन दिस रेवोल्यूशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का क्या मतलब है, एक ऑप्शन आपको दिया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट, तो लोगों का इसमें सहयोग होना, इन्वॉल्वमेंट होना। एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल, तो सभी लोगों का एक तर्क देना या आर्ग्यूमेंट देना। तो ऑफकोर्स जो है ये पहला जो है ये आपका सही आंसर है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब है लोगों का, सभी का सहयोग हो, सपोर्ट हो, इन्वॉल्वमेंट हो। द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड मेंशनड इन द पैसेज आर। तो रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कार्ड आपको पैसेज में मेंशन की गई है, पढ़ते वक्त आपने ध्यान दिया ही होगा। तो पहली है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, ये आएगा दिस, एंड दिस अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। तो ये दोनों आप इस आंसर में लिखेंगे, आंसर फाइव में। फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन सिक्स की तरफ। क्वेश्चन सिक्स कहता है, व्हाट आर मिलेट्स। तो मिलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपका ये आंसर है कि मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। ये आपका आंसर सिक्स है। फिर चलते हैं क्वेश्चन सेवन, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। तो आपको पैसेज में से वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है नेटिव। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, नेटिव मतलब कि उसी जगह का, मतलब वहीं पर जो उगाया जाता है या उसी जगह का है, एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो उसका मतलब क्या है, वो है इंडिजीनियस, मतलब उसी जगह का, बाहर का नहीं है, उसी जगह का, नेटिव टू दैट प्लेस, वो है इंडिजीनियस। फिर है क्वेश्चन एट, Why should we include millets in our daily meals? हमें अपनी daily meals में millets को क्यों include करना चाहिए? यहाँ पर आपको answer दिया हुआ है,
मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्म, ये है आपका इजी टू डाइजेस्ट, और ये, तो ये सब जो है ये आप इसमें आंसर में लिखेंगे कि मिलेट्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी मदर या फादर से पूछना है कि उन्होंने मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा या रागी, इनसे कौन सी ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपने खाई भी हैं और आपको पसंद भी आई है। तो हमने मैंने अलग अलग चीजें खाई हैं, जैसे मैंने ज्वार की खिचड़ी खाई है, मैंने ज्वार की रोटी भी खाई है। तो क्योंकि ये इंग्लिश वर्कशीट है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ज्वार चपाती, लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि रागी डोसा मैंने खाया है, मुझे वो बहुत ही पसंद आया था। अगर आप कभी साउथ इंडिया आए तो आप जरूर खाएं रागी डोसा, खासकर कर्नाटका में जरूर इसे खाएं। उसके बाद जो है बाजरे की खिचड़ी, ये मैंने खाई है, ये मुझे अच्छी लगी है, थोड़ी कम अच्छी लगी है बट ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में ये बहुत अच्छे से बनती हो। बाजरे की चपाती खाई है, वो अच्छी लगती है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज आपने खाई है तो आप जरूर उसको लिखिए, और जो आपको पसंद भी आई हो वो लिखिए। रागी डोसा तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ही पसंद है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि राइट अ टू लाइनर स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस पे आपको दो लाइनों का एक स्लोगन लिखना है। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ हमने जो लिखा है। तो एक हमने ये लिखा है, फॉर अ बेटर बॉडी माइंड एंड सोल गुड न्यूट्रिशन प्लेज अ ग्रेट रोल। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप गुड न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट एंड कूल, इफ यू डोंट हैव इनफ ऑफ इट यू आर अ फूल। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपने भी स्लोगन इसे बनाकर, यहाँ से आइडिया लेकर आप अपने स्लोगन बनाकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 10 में। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो जरूर हमसे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू।